हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिग कैट एडुकेशन। तो गाइस, आज हम क्या करेंगे कि हमारा ये जो कैनन का आप लैपटॉप सॉरी प्रिंटर जो देख रहे हो, ये आपका Z2010 मॉडल है। तो इसमें क्या हो रहा है कि मैं जब भी प्रिंट ले रहा हूँ तो ये प्रिंट मुझे सही से दे नहीं रहा, मतलब बिल्कुल फिट कलर आ रहा है। तो हम इस फिक्स प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है दोस्त कि ये कई दफ़ा हमारा हम जब प्रिंटर काफ़ी दिन यूज़ नहीं करते हैं तो इंक वगैरह जो है वो पाइप पे प्रॉपर आता नहीं है, वो सूख जाता है, मैं भी बोल सकते हो आप। तो इस परेशानी से मुझे लगता है काफ़ी लोग सफ़र कर रहे होते हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँ, ताकि लोगों को जिनको प्रॉब्लम हो रही है वो इस वीडियो को देख के अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि आपको प्रॉपर अच्छे से समझ में आए कि प्रॉब्लम होती क्या है और कैसे आप इसको सॉल्व करोगे। तो प्रॉब्लम तो मैंने बता दिया फ्रेंड कि ये काफ़ी टाइम यूज़ नहीं करते हैं इसी वजह से, या फिर पाइप में कोई कचरा फंस जाता है इसकी वजह से। ये में भी हो सकता है कि हमारा जो प्रिंट है पेज का वो प्रॉपर तरीके से देता नहीं। मैंने यहाँ पर पेपर में प्रिंट लिया, ये देखो कि बिल्कुल फेड आ रहा, बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा क्या मैंने प्रिंट लिया है। तो इस प्रॉब्लम को मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, और ये कैनन का आपका Z2010 मॉडल है। तो एक तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो फ्रेंड कि आपका जो पाइप है इसमें प्रॉपर है कि नहीं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे पाइप में प्रॉपर इंक जो है वो नहीं है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इसको जाके सिंपली यहाँ पर दोनों बटन को प्रेस करके यहाँ इसको ऊपर करके आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल नहीं आ रहा कलर, तो ये प्रिंट कहाँ से होगा। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे और इसको उसी जगह पे रहने देंगे, ठीक है। और इस पर छेड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है आपको। सिंपली क्या करना है कि आप अपने लैपटॉप को, डेस्कटॉप को, जिससे भी आप कनेक्ट करके अपना प्रिंट से प्रिंट लेते हो, आप उसको कनेक्ट कर लो। उसके बाद मैं आगे का प्रोसीजर आपको बताता हूँ। आप अपने प्रिंटर को आई होप कनेक्ट कर लिए होंगे। अब आप देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अपने कंट्रोल पैनल को ओपन कर लिया है, और यहाँ पे डायरेक्टली हम आएंगे अपने डिवाइस एंड प्रिंटर पे। और जैसे ही आप इसको ओपन करोगे, यहाँ पे आपका कैनन Z20 सीरीज दिखेगा, जो आपके जो आपका प्रिंटर का मॉडल है। आप इसको राइट क्लिक करके प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ पे जाओगे, तो ये कुछ इस तरह का पेज खुल के आपके पास आएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड आपको क्या करना है कि आप ये जो मेंटेनेंस वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे मेंटेनेंस एंड परफॉर्मेंस प्रेफरेंस पे जाना है, और इसको कैसे क्लिक करोगे, यहाँ पे दिखाएगा क्लीनिंग, देख सकते हो आप क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग, इस टाइप का ऑप्शन आएगा। आपको क्या करना है, क्लीनिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे तीन ऑप्शन आएंगे फ्रेंड आपके पास, ऑल कलर्स, दूसरा है ब्लैक, तीसरा है कलर। आपको कौन सा करना है, ब्लैक करना है, कलरफुल करना है, या दोनों को करना है। तो मैं दोनों को करूँगा, तो ऑल कलर करके यहाँ एग्जीक्यूट कर दूँगा। तो ये फ्रेंड इस तरह से आएगा ऑप्शन हमारे पास, यहाँ पे लिख रहा है प्लीज़ क्लीनिंग, प्लीज़ वेट। और ये मैं भी पाँच मिनट 3 मिनट लगा सकता है फ्रेंड, तो आप वेट कर लो जब तक ये प्रॉपर तरीके से हो ना जाए। और आप इस दौरान किसी भी फंक्शन को मत छेड़ो, ताकि ये रिक्वेस्ट भी करता है हमसे कि प्लीज़ डू नॉट ऑपरेट एनी अदर, कोई परफॉर्म नहीं करने के लिए, तो आप उसको मत करो। यहाँ पे क्लीनिंग होने पर सिंपली यहाँ पे देख सकते हो लिख रहा है क्लीनिंग प्लीज़ वेट, तो आप प्लीज़ वेट कर लो आप। और ये हमारा प्रिंट हो चुका है, मतलब जो हमारा क्लीनिंग है वो हो चुका है। अब ये लिख रहा है प्रिंट, ये हमारा जो क्लीनिंग था वो होके यहाँ पे लिख रहा है प्रिंट चेक पैटर्न, आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। और ये हमारा जो प्रिंट है यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ से प्रिंट होके आ रहा है। तो हम वेट कर लेंगे, देख लेंगे कि ये जो चेक करने के लिए बोल रहा है। तो देखो फ्रेंड, हमारा यहाँ पे जो कलर है वो बिल्कुल अच्छे से आ गया है। यहाँ पे देख सकते हो ब्लैक एंड वाइट के लिए, और ये ब्लू कलर, रेड कलर, येलो कलर, तो ये काफ़ी अच्छे से प्रिंट होके हमारे पास आ गया है। और हम इसके बिहाफ पे एक दूसरा प्रिंट लेके देखते हैं डॉक्यूमेंट्स। फ्रेंड्स, मेरे पास ये पेज है प्रिंट करने के लिए, मैं यहाँ पे कंट्रोल पी करूँगा और ये प्रिंट के लिए आ जाएगा। देन मैं क्या करूँगा, सिंपली माउस के ले जाऊँगा प्रिंट पे और यहाँ पे प्रिंट कर दूँगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने प्रिंट का ऑप्शन दबा दिया था, अब ये प्रिंट हो रहा है आपके सामने, मैं लाइव होकर दिखा रहा हूँ। और ये प्रिंट हो रहा है, आप देखना यहाँ पे हमने जो सॉल्व किया उसके बाद प्रिंट हमारा कैसा निकल के आ रहा है।
फ्रेंड ये प्रिंट होके आ गया हमारे पास, ये प्रिंट होके कुछ इस तरह से आया है, हम देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन और कलरफुल आया हुआ है। तो फ्रेंड इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप कैनन G20 10 मॉडल का जो प्रिंट का इशू है, प्रॉपर अच्छे से प्रिंट नहीं हो रहा या बिल्कुल प्रिंट नहीं हो रहा, आप इस उस इशू को बिना छेड़े हुए आप सिर्फ मेंटेनेंस में जाके अपने लैपटॉप से उसको ठीक कर सकते हो। आई होप कुछ भी करने से पहले गाइस एक बार इस ट्रिक को जरूर यूज़ करना। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज़।